एक मायूसी का वक्त और दौर आया जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा और दीन की ये रोशनी बुझ जाएगी, हिदायत की ये रास्ते खत्म हो जाएंगे। एक नौजवान ने ऐसे दौर के अंदर एक ख्वाब देखा जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इनका हाथ पकड़कर उनको ख्वाब में एक जगह पर ले जाते हैं और फरमाते हैं कि यहाँ स्थिति से लाठी की साफ का एक चरी थी, तो उससे निशान बनाया और फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ दीन का प्रेजेंटेशन और आगे का काम अल्लाह का रसूल का यहाँ से होगा। वो नौजवान हजरत मौलाना कासिम नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह नाम से मिज्जतुल इस्लाम के नाम से हम याद करते हैं आज, तो वो बुनियाद थी जिसको आज हम दारुल नेवन के नाम से याद करते हैं और पूरे आलम के अंदर ये थे हजरत मौलाना गुलाम साहब बस्तानी रहमतुल्लाह जब तशरीफ लाए थे तो जलसे और जलसे के अंदर फरमाया था कि घर घर के अंदर जो दीन है वो बिल्कुल की बात है। तो इसके बारे में हजरत मौलाना कासिम नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह ये बुनियाद कि उनसे अल्लाह ताला ने दीन का काम दिया, लेकिन बहुत ही यंग एज के अंदर उनका इंतकाल हो गया 48 साल की उम्र में। उनके साथ जाते हजरत हाफिज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक अहतमाम को संभाला। उसके बाद उनके साथ जाते हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल तक 60 ईयर बाप और बेटे ने अल्लाह सुभानहू व तआला ने मुंतखब किया और 100 साल इस निजाम को संभाला। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को हमारे दौर के अंदर भी तशरीफ लाए थे और हमारे लालू के शहदा की जनाजे की नमाज भी हजरत ने फरमाई थी रहमतुल्लाह अलैह। इनके पोते ग्रैंडसन हजरत मौलाना कासिम हजरत मौलाना सुफियान साहब कासिम दाम पर था, उन्होंने यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, सआदत मिलती है कि अल्लाह सुभान व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि आप तशरीफ लाए। गुजारिश करता हूं दरख्वास्त करता हूं तशरीफ ना पड़ जी ठीक है ना सुना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और ना कुछ मांगे सरकार का दीवाना। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, पल पल मेरा दिल तड़पे दिन रात करे जारी, पल पल मेरा दिल तड़पे दिन रात करे जारी, कब आऊं मदीने में कब आए मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगा दरबार वो शाहाना। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना,
फिर और ना कुछ मांगे, सरकार का दीवाना एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। इसी आस पे जीता हूँ, एक रोज बुलाएंगे, इसी आस पे जीता हूँ, एक रोज बुलाएंगे। और गुंबदे हजरा का दीदार कराएंगे, फिर पेश करूंगा मैं अश्को भरा नजराना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। फिर और ना कुछ मांगे, सरकार का दीवाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। Then he took part in the Battle of Shamli in 1857 when he was only 24. And then he established Darul Uloom when he was only 29. And he died in 1879 when he was only 48, like one of the moments I've said. There's a lesson in there for the youngsters. You can do a lot. He established Darul Uloom at the age of only 29, and he got so many musharats there. Because he had worked on his inner self. He was there, it was Hazrat Hajjid al-Lasa, Muhajjid al-Mukir, Hazrat Sahar Juhat, and Waz, and Moshayim, and his Asatizan, their other respect. This is what made him who he was. And alhamdulillah, Hazrat Mukir, today, that Hazrat's children and grandchildren, they still carry on with the legacy. And this is amazing. There were many other Moshayim, but the legacy is not carried on from the children. Hazrat Nanotvi's legacy is still carried on in the Jewish children. May Allah keep it, continue it, grow until the end of the year. That's your thing. Mark it more time. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. حضرات محترمین، میرے لیے یقیناً یہ بہت باسعادت لمحات ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا اور بولٹن کی اس تاریخ ساز مسجد کے اندر مجھے آپ حضرات کی اللہ تعالیٰ نے زیارت کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے بل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس وقت کوئی بات لمبی چوڑی نہیں، بلکہ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی 105ویں آیت ہے. اپنے شان نزول اور مضمون کے سیاق و سباق میں
इसका खिताब किया जा रहा है मुनाफिकीन के रवैये पर, उनकी रविश पर, उनकी निफाक पर, उनके अमल पर, के जो कुछ तुम अमल करते हो एक दिन आएगा कि अल्लाह के सामने तो है ही, रसूल के सामने भी होगा और वो तमाम मोमिनीन के सामने होगा, गोया खुल जाएगी। वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम उससे वाकिफ थे क्योंकि आयत आ चुकी थी, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल। ये लोग आते हैं आपके सामने, ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हालांकि अल्लाह जानते हैं कि आप अल्लाह ही के रसूल हैं। वो ये समझते थे, कस्में खाकर यकीन दिलाते थे कि हम आप में से हैं। तो ये आयत जब नाजिल हुई तो एक मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम मजलिस में तशरीफ फरमा थे और आपने एक उसूली बात को मिसाल के जरिए से आपने सहाबा के दरमियान पेश फरमाया, क्योंकि ये मिसाल के जरिए से किसी बात को समझाना बहुत आसान होता है। कुरान करीम में भी मुतअद्दिद जगह पर कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबलत मिया तो हब्बा, बड़े अहम मजामीन जो है वो मालूम हो कि मिसाल के जरिए से बहुत आसान हो गए, बड़े गहरे मजामीन। तो ये अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को खास वस्फ अता फरमाया कि वो मिसाल के जरिए से बड़े गहरे मजामीन को बहुत आसान करके अवामुन्नास के लिए बहुत सहल करके पेश फरमा दिया करते थे, और उन्हीं की जूतियों का तुफेल के ये औसाफ मुंतकिल हुए औलिया अल्लाह की, औलिया अल्लाह की मिसालों के जरिए से बड़े अहम मजामीन। जैसा कि बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जत अलैहिस्सलाम मोहम्मद कासिम नानोतवी नफ़रल्लाहु मरकदहु के खादिम खास थे, उनका नाम था अल्लादीन, बेपढ़ा लिख के आदमी था, गोश्त का कारोबार किया करता था। जाहिर है कि कारोबार भी ऐसा था जिसमें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हजरत के बेहद मोतकदीन में, मोहब्बत करने वालों में और हजरत के मजलिस में हाजिर बाश कि कोई मजलिस ऐसी नहीं होती जिसमें हजरत के हम वो हाजिर ना हो, सुबह को अपने कारोबार में मसरूफ, शाम को हजरत की खिदमत में हाजिर। कुरान ने भी कहा वकून उमा सादिकीन, सच्चों के साथ रहोगे तो असर, तो सोहबत का असर जरूर पड़ता है इंसान, ये तो इंसान है। अगर आप बेजान चीज को में भी दो चीजों को बराबर रख दें तो सोहबत का असर पड़ता है। आप कपड़ों के अंदर गुलाब को रख दीजिए तो गुलाब की खुशबू आने लगी क्योंकि उसने वो असर कबूल किया, तो सोहबत का असर पड़ता है। एक जाहिल आदमी बिल्कुल, लेकिन सोहबत का असर ये कि बस सवाल ऐसा कर जाते थे कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते, और सवाल को कहेंगे असवाल निस्फ़ुल इल्म, सवाल निस्फ इल्म है क्योंकि सवाल वही कर सकता है जिसके पास इल्म, और इल्म सोहबत से हासिल हो जाता है। एक मरतबा सवाल किया कि हजरत मेरे मजलिस हो रही थी उसमें 100-150 लोग बैठे हुए थे, जुरत करके इसने जरा सर चढ़ा भी था, कहने लगे हजरत मेरे जहन में एक बात आती है कि लोग ये नसीहत करते हैं, वसीयत करते हैं अपने रिश्तेदारों को कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरे फला कब्रिस्तान में फला वली के पास दफन करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने तो आप ही से सुना कि इंसान का असल चीज है वो अमल है, अमल साथ जाएगा, अमल की बुनियाद पर उसकी बख्शिश होगी और बदअमली की बुनियाद पर उसको फैसला होगा सजा का। तो जब अमल ही की बुनियाद पर होना है तो फिर किसी बुजुर्ग के या वली के पास दफन होने से फायदा क्या है? अगर अमल अच्छा है
तो वीराने में भी कई दफन होगा, उसका अमल उसे उसके बख्शिश के लिए काफी है। और अगर बदअमल है तो वली वली क्या, अगर नबी के बराबर में भी दफन कर दो तब भी वह अजाब से तो नहीं बचेगा, क्योंकि जो कुछ होना है वो अमल की बुनियाद पर होना है। अब जाहिर है कि मजमून तो इतना अहम था ही, अब अगर उसके सामने के कश्फ क्या होता है, कश्फ के औकात क्या होते हैं, कश्फ के मियारात क्या होते हैं, कश्फ की इस्तेदाद क्या होती है, वो कहाँ उसके समझ में आते हैं। क्योंकि मसल मशहूर है कल लिमू अला कदरी हुकूरी और हजरत अनोती है ये कि लोगों के उनकी समझ के मुताबिक बात करो। अंबिया भी ये किया करते हैं कि बात इस तरह से करते थे कि हर आदमी की समझ में आए, क्योंकि अकलें मुतफावित होती हैं, हर एक की अकल बराबर नहीं होती, लेकिन बात ऐसी की जाए समझ में आया। हजरत ने सवाल सुना और खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं दिया, अपनी बातों में लगे रहे। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट गए, ये पंखा चल रहा था हजरत को, इसके भी जहन से निकल गया कि मैंने कोई सवाल किया था। एक 15-20 मिनट के बाद हजरत मुतवज्जे हुए कि भाई मियां लदीन, ये तुमने जो अभी सवाल किया था, नहीं ये कहा कि मियां लदी ये जो तुम पंखा कर रहे हो ये किसको कर रहे हो, कि जी हजरत आपको कर रहा हूं और आप इनको भी कर रहे हैं कि ये बराबर बैठे हैं। कहने लगे कि इनको क्यों करता है, ये न मैं इनका मुरीद हूं न इनका शागिर्द, ये भी मेरे जैसे हैं, मैं तो हजरत आपसे मोहब्बत है, आपसे अकीदत है, आपसे एक मैं मोहब्बत करता हूं, मैं तो आपको कर रहा। कहने लगे हवा तो इनको भी लग रही है, मैं के वो लगा करें हवा। कहने लगे यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि औलिया अल्लाह के पास जब औलिया अल्लाह जहां दफन होते हैं वहां रहमतें नाजिल होती हैं और बरकतें और जन्नत की हवाएं तो बराबर वालों को भी लगती हैं, बेशक बख्शिश तो अमल पर ही होगी कि अपना अमल ही काम आएगा। तो अब अगर कश्फ के बारीकियां बयान करते तो इसकी समझ में क्या आता, लेकिन बात ऐसी हुई कि उलमा भी समझ गया और जाहिल आदमी भी समझ गया कि या ऐसे ही एक मरतबा मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, वहां रहा करते डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, वो जेलर थे, उनसे कुछ मिलना भी था, ये अल्लादीन साथ में थे। तो अल्लादीन कहने लगे कि जी हजरत मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अंबियाए किराम पेशगोइयां फरमाते हैं कि फला दौर एक दौर ऐसा आएगा उसमें ऐसा होगा, एक दौर ऐसा आएगा उसमें होगा, बाज जगह तो वक्त तक मुतय्यन करके बताते हैं, जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम कि मुझे आलम मिसाल में उम्मत की जो उम्र दिखाई गई है वो 500 साल दिखाई गई है, एक दूसरे हदीस में है 1000 बरस। अब दोनों 1000 और 500 के दरमियान जो उलमा ने तदबीक की वो एक मुकम्मल बहस है कि वो क्या है। तो असल मसला ये था, उसका सवाल ये था कि पेशिंग गोइयां अंबिया भी करते हैं और ठीक वक्त पे पूरी होती है, अगर 500 बरस का तो 500 बरस में ही पूरी होगी जाके, और पेश गोइयां औलिया अल्लाह भी करते हैं लेकिन उनके आगे पीछे हो जाती है, कभी वक्त से पहले हो जाएगी, कभी वक्त के बाद, कभी वक्त पे भी हो जाएगी। तो कह लेंगे ये औलिया अल्लाह जो करते हैं तो क्या ये गलत करते हैं, और अगर उन्हें पता नहीं है तो फिर पेशगोइयां क्यों करते हैं, भाई अंबिया का काम अंबिया पर छोड़ दें। तो इन दोनों में फर्क क्या है, और इल्म देने वाली जात तो अल्लाह ही की है, अंबिया के पास जो इल्म आ रहा है वो भी अल्लाह की तरफ से आ रहा है और औलिया के पास अल्लाह के पास आ रहा है वो भी। हजरत चलते रहे, सामने एक इमारत थी, मैं के भाई अल्लादीन ये इमारत कौन सी है, कि हजरत ये जेल है, जाना वहीं था उनको। अच्छा ये कितनी दूर होगी, कि हजरत मेरा ख्याल ये कि ये मील सवा 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगी। कह लेंगे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, कहिए इतनी दूर से आप क्या बता सकते हैं, एक भी हो सके, 1.5 भी हो सकती है, चले गए आगे। अब कितनी होगी, कहिए 4-5 फरलांग होगी, कि 4 या 5, कहिए
उस अंदाजे ये वहां यहां तक के उसकी बिल्कुल जड़ में पहुंच गए, बिल्कुल उसके बाद कि भाई अब ये कितनी दूर है, ये तुम्हें यकीन है कि ये जेल की इमारत? हाँ जी बिल्कुल, कसम मैं गवाह हलफ उठा के बता दूं ये जेल की इमारत है। कि अब कितनी दूर होगी? कि हजरत एक कदम के फासले पर, कहे तो रख के बता दूं। कहने लगे तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, इल्म वहीं से आ रहा, अंबियाए किराम यहां खड़े हुए हैं और औलिया अल्लाह वहां खड़े हुए हैं, उनकी बात कभी पूरी हो जाती है वक्त पे, कभी नहीं होती, लेकिन अंबिया को जो इल्म दिया जा रहा है वो हतमी दिया जा रहा है। तो मिसाल के जरिए से समझा लेगा। और हजरत ननौत भी को इस बारे में बड़ा मलका हासिल था कि अब कलिमु अला कदरी उकूली, लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो तो सब बात समझ में आ जाएगी। एक मरतबा सफर में जा रहे थे, एक उस जमाने के अंदर एक आर्या समाजी पंडित थे जो उक्लिदीस के माहिर थे, जिसे आज के जमाने में कहते हैं जियोमेट्री, उसके वो बेहतरीन माहिर, शोहरा था उनका, प्रोफेसर थे। और उसके कुछ उसूल ये कि उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती, दो और दो चार ही रहेंगे, ना पहले कभी पांच हुए, ना आज पांच है, ना आगे पांच होंगे, दो और दो चार ही रहेंगे, तो उसके उसूल। लेकिन हजरत ननौत भी रियाजी के अंदर एक अजीब गरीब मलका रखते थे, उन्होंने उक्लिदीस पर इतराजात भी किए। उसे मालूम हुआ स्टेशन पे कि मौलाना कासिम ननौत भी बैठे हुए, वह आए, उसे मालूम था, उसने कहा कि हजरत बड़ा अच्छा मौका है, अब ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, गैर मुस्लिम है, जियोमेट्री का माहिर है, इन तमाम चीजों के मौका अच्छा है। मेरे जहन में एक सवाल है, आज आप बैठे हुए, आप मुझे, आप ये कहते हैं, आपका मजहब ये कहता है कि अल्लाह ताला के यहां एक लोहे महफूज है जिसमें तमाम अहवाल दर्ज हैं, इंसानों के, जानवरों के, नबातात, जमातात, हैवानात, सब समंदर, पहाड़, हर चीज का, कोई जर्रा ऐसा नहीं है कायनात का कि जिसका अहवाल दर्ज ना हो। अगर किसी कायनात के जर्रे के अंदर हरकत भी होगी तो वो भी उसके अंदर दर्ज है। तो अब जाहिर है कि अरबों खरबों साल के वाकयात थे बुद्ध, वो कितनी लंबी चौड़ी होगी लोहे महफूज। तो अगर हम मान लें कि वो उसमें आसमान के भी अहवाल दर्ज है, इसका मतलब है कि वो आसमान से भी बड़ी है, तो आखिर उसकी लंबाई चौड़ाई है क्या? हजरत फरमाए पंडित जी तुम्हारी उम्र क्या है? कहा कि मेरी उम्र तो 70 साल है। कि 70 साल में बहुत सारे वाकयात पेश आए होंगे, हर आदमी की जिंदगी में पेश आते हैं, रोज एक नया वाकया, रोज क्या बल्कि हर लम्हे एक नया वाकया पेश आता है। अगर आदमी ये लिखना शुरू कर दे, एक बच्चा पैदा हो और उसकी पैदाइश के वक्त से माँ बाप ये एहतमाम करें, उसका एक एक दिन का और एक एक लम्हे का अहवाल लिखना शुरू, और जब वो बड़ा हो जाए तो वो खुद लिखना शुरू कर दे, तो 70 साल में कितनी किताबें लिखी जाएंगी, और फिर उन सफात के तो मीलों में को फैल जाएंगे। तो मैं यहाँ के 70 साल में बहुत सारे वाकयात भी पेश आए होंगे, सब याद हैं तुम्हें? नहीं भाई, याददाश्त बहुत मजबूत है, अक्सर याद होंगे, चले मान लिया कि आपको बहुत याद होंगे। अगर आप उसे लिखना शुरू करें तो कितने सफ़े में लिखेंगे? कहा कि इतने सफ़े तो हो जाएंगे कि अगर मैं उसे लिख के कागजात को फैलाऊं सड़क पे तो 20-50 मील तक तो चले जाएंगे वो कागजात। कहा कि ये सारे वाकया जो इतने लंबे चौड़े हैं, ये तुम्हारे ये महफूज कहाँ हैं? कि दिमाग में महफूज है, कि दिमाग तो इतना सा है, फिर इसमें कहाँ महफूज हो? और दिमाग भी पूरा नहीं, बल्कि दिमाग का अगला हिस्सा जो है इसमें बहुत सारी नहीं? इंसान का उठना बैठना, चलना फिरना, दूसरी चीजें, याददाश्त का जो हिस्सा है वो बिल्कुल पीछे के हिस्से में, और वो भी एक बारीक सी रग है
जिसमें पूरी याददाश्तें महफूज होती है, वो अगर मुड़ जाए या हो जाए तो इंजामर हो जाएगा इंसान को, सारी याददाश्त खत्म। कहा कि ये हमारा लोहे महफूज है, यहां महफूज है। तो जब अल्लाह ने 70-80 साल की उम्र की याददाश्तें जो है वो एक बाल से ज्यादा बारीक रग के अंदर महफूज कर दी, वो अल्लाह का लोहे महफूज है। वो तो क्योंकि ज्योमेट्री का माहिर है, उसने हिसाब किताब लगाया कि वाकई ये तो बात ही है कि अगर 70 साल, तो असल चीज ये कि मिसाल कहने का बस है कि मिसाल के जरिए से अल्लाह ताला ने अंबिया को सिखाया कि वो बड़े बड़े अहम मजामीन। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम की मजलिस थी और आपने इस आयत की तशरीह करते हुए एक इसको एक वाकयाती अंदाज में बयान फरमाया और मिसाल के जरिए से फरमाया कि एक शख्स है, उसके 3 भाई हैं, जो उससे छोटा भाई है उससे वो बेहद मोहब्बत करता है, यानी उस पर जान फिदा है, उसके आराम का ख्याल, उसके हर चीज का ख्याल, अगर उसको जरा सी तकलीफ हो तो ये बेचैन, उसकी हिफाजत के लिए दिन और रात एक कर दिया, और वो अगर जरा सी उसे परेशानी हुई तो ये इसकी नींद हराम हो गई, गरज उसके चैन और आराम में कोई मतलब कसर नहीं उठा रखी, यहां तक कि अपनी जान क्या अपनी ईमान भी दांव पर लगा दिया उसके लिए, उसकी मोहब्बत में। अब जब आखिरी वक्त आया तो ये वो वक्त है कि जब इंसान मुंतकिल हो रहा है, बेबस है, देख रहा है कि मैं जा रहा हूं अब इस दुनिया से, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके साथ, तो उसे ख्याल आता है कि जिस भाई के साथ मैंने बेपनाह मोहब्बत की है वो मेरी मदद जरूर करेगा। वो उसे बुलाता है कि मैंने जिंदगी भर तेरे साथ उसने सलूक किया, ना मैं अपने आराम को देखा, ना अपनी चैन को देखा, ना बीवी बच्चों को देखा, ना जान को देखा, ना ईमान को देखा, लेकिन तेरे लिए मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया, आज मैं बिल्कुल बेबसी के आलम में हूं, मुझे यकीन है तू मेरी मदद करेगा। भाई ने टका सा जवाब दिया कि गलत फहमी है तेरी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और तूने किया तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, जो कुछ किया तूने अपने लिए किया, मेरे से बिल्कुल तवक्को मत रखिए कि मैं कोई काम आ सकूं, हाँ ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि जब तक तेरी सांस में सांस है, तेरा दम चल रहा है, मैं तेरे पास बैठा रहूंगा, लेकिन जैसे ही तेरा दम निकला तू इधर और मैं इधर। उसे बड़ा अफसोस होता है कि जिस भाई के साथ मैंने जिंदगी भर यह शुरू किया आज उसने मुझे इतना टक्कर से जवाब दे दिया। और अब छोटे भाई को बुलाता है, उससे छोटे, उससे भी बेपनाह मोहब्बत थी लेकिन उससे कम थी, और उसके लिए भी उसने दिन रात एक किया, अपनी जान और ईमान तक को खतरे में डाल दिया उसकी मोहब्बत उसकी, और यही बात उससे दोहराई कि मैं इस वक्त बहुत बेबसी के आलम में हूं, खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद कर, मुझे कुछ तो सहारा दे आज। कहा कि मुझसे यह तवक्को मत रखना कि मैं तेरे साथ कोई उसने सुलूक कर सकूंगा, तूने जो कुछ किया अब वो तेरी फितरत, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, सब करते हैं, हाँ ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि बड़े भाई ने तो यह कहा था कि जैसे ही तेरा दम निकला मैं इधर चले जाऊंगा, हम ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि जब तुम्हारा दम निकलेगा तुम्हें उठा के गढ़े में दफन कर आएंगे, बस आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम हमसे कोई तवक्को मत रखना कि हम तुम्हारे काम आएंगे। सख्त अफसोस होता है। उसके बाद सबसे छोटे को बुलाता है जिसके साथ हमेशा बदनाम लगी, ना उसके साथ कोई उसने सलूक का मामला था, ना उसके साथ इल्तफात का मामला था, ना उसके साथ मोहब्बत और मुरव्वत का मसला था। अब जाहिर है ऐसे वक्त में उससे क्या तवक्को की जा सकती थी,
उसने कहा कि चलो है तो भाई, पूछ तो लो। उसे बुलाता है और अपनी शर्मिंदगी का इजहार करता है कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जिंदगी भर, मैंने जिनके साथ उसने सलूक किया था वो ही तो ये जवाब दे गया, मेरा कहने का मुंह नहीं है, अगर तू कर दे तेरा एहसान है मेरे ऊपर, और मैं मुझे इस वक्त तेरे मदद की जरूरत है। कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं यहां भी मदद करूंगा और जहां तक हो सके तेरी तुम्हें बचाने की, अगर कोई मुसीबत आएगी पहले अपने ऊपर लूंगा मैं और फिर तेरे ऊपर आने दूंगा। ये वाकया सुनाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया कि ये बताओ कि सबसे बड़ा भाई कैसा था। क्या रसूल अल्लाह बड़ा कमीना खसलत आदमी था कि जिसके साथ इतना उसने सलूक किया गया हो और वो ऐसे ठगा से जवाब दे जाए, निहायत कमीना आदमी। और वो दूसरा कहने लगे वो भी बहुत बदमामला आदमी था, उसने सलूक उसके साथ भी किया और उसने भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उसने ये कहा कि मैं दफन तक साथ। और तीसरा कहने लगे कि ये सबसे ज्यादा शरीफ था, तभी शराफत के अंदर अगरचे इसके साथ सबसे ज्यादा मतलब बदैदी हुई है। कहा कि जानते हो ये तीन भाई कौन थे। पहला भाई जो था वो दौलत थी, इंसान का पैसा जिसको जिंदगी भर कमाने के लिए इंसान दिन रात एक कर देता है और बसा औकात अपनी जान और ईमान तक को खतरे लगा देगा। सबसे पहले साथ छोड़ने वाली यही चीज है, इधर दम निकला और इधर वो किसी और की हो गई, बस बुरा सा गंदा बढ़ गई। दूसरा भाई जो है वो है तुम्हारे अहलो अयाल, वो वहां तक साथ हैं, आगे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जाहिर है कि दफन तक साथ हैं लेकिन आगे वो भी वो बेबस हैं, हालांकि तुमने जिंदगी भर उनके लिए सब कुछ किया, अपना ईमान तक दांव पे लगा दिया कभी कभी तो अपनी औलाद की मोहब्बत में अपनी। और तीसरा भाई जो है वो है तुम्हारा अमल, जिसके साथ तुमने बेइल्तफाती की, जिस पर कभी वक्त पर तुमने कभी तवज्जो ही नहीं की, याद आ गया तो कभी कर लिया। कहा कि जबकि असल वही चीज थी। तो इस आयत के अंदर वो कुले मरू फसर अल्लाह, अगरचे बात वहां के लिए कुरान का ये एजाज है कि एजाज बयान इस तरह का होता है कि वो सबके लिए मसावी तौर पर यकसा तौर पर सबके लिए बयान होता है। मोमिनीन के लिए ये कि अमल किए जाओ, छोटे या बड़े को मत देखो, अल्लाह के यहां कबूलियत की यकीन पर अमल किए जाओ, कोई भी अमल अल्लाह के यहां मकबूल हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम जिसे समझें कि ये बहुत बड़ा अमल है, बसा औकात इंसान का बहुत छोटा सा अमल जो है वो नैया पार लगा देता है। आप में से सभी हजरात का मदीन मुनव्वरा हाजिरी हुई होगी, वहां जाना हुआ होगा, आपने देखा वहां एक नहर जुबैदा के आसार हैं। ये जुबैदा हारून रशीद की अहलिया, ये हारून रशीद के साथ हज करने आए, जब मदीना मुनव्वरा पहुंची वहां देखा हुज्जाज शदीद परेशान है, गर्मी का जमाना, अब जाहिर है आज तो खैर बदल गया हालात, लोग पानी के लिए तरस रहे। तो इन्हें यह ख्याल हुआ कि अल्लाह ने हमें दौलत भी दी, इख्तदार भी दिया, कुव्वत भी दी, वसाइल भी दिए, और हमारे होते हुए हुज्जाज यहां पर इतने परेशान हैं। तो उन्होंने अहद किया कि मैं नहर बनवाऊंगी, और नहर बनवाई उन्होंने मदीने से लेकर बसरा तक, फरात तक। दजला और फरात का पानी जो है वो मदीना तकरीबन 4000 किलोमीटर का फासला, आप अंदाजा करिए कि 4000 किलोमीटर की नहर बनवाना आसान काम नहीं है, और इतना बड़ा काम किस बरसा बरस तक एक पानी का नज्म हो गया। जाहिर है कि ऐसी औरत की बख्शिश में कोई कलाम है, इंतकाल हो गया। तो उसी
عہد کے ایک بزرگ تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا زبیدہ کو, مجھے زبیدہ کیا حال ہے, فرمایا کہ میرے اللہ نے میری بخشش کر دی ہے. کہ تیری تو بخشش ہونی ہی تھی, تجھے تو کام ہی اتنا بڑا کیا تھا, تیرا تو عمل ہی اتنا بڑا تھا. کہ نہیں, وہ تو بنوانا بیکار ہی گیا, وہ تو بس میرے اللہ نے تو عجیب معاملہ کیا میرے ساتھ میں, بخشش عجیب معاملے پر ہو گئی. میرے تو یاد بھی نہیں تھا, جب اللہ نے یاد دلایا تو یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھانے بیٹھی, کھانا سامنے رکھا تو میں نے لقمہ بنایا اور لقمہ بنا کے منہ تک لے جاتی تھی, ابھی راستے میں تھا کہ اذان ہو گئی, اذان کی آواز آئی تو میں نے فوراً وہ لقمہ نیچے دسترخوان پہ رکھا اور روپٹا جو تھا وہ سر پہ ڈال دیا. بس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نہر بنوانا ایک طرف اور اس ادا پر اللہ نے بخشش کر دی. تو اصل چیز یہ کہ عمل کیے جاؤ, یہ مت دیکھو کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اللہ کے یہاں کون سا عمل قبول ہو جائے, یحییٰ سبکی نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کی عبادت اور ریاضت مشہور تھی, کہ لوگ مثال دیا کرتے تھے عبادت کرے تو یحییٰ کی طرح سے کرے. کوئی تو وہ مثال بن گئے تھے, وہ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دور کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, پوچھا یحییٰ کیا حال ہے, کہ میرے اللہ نے میری بخشش کر دی. لیکن میرے لیے عجیب حیرت کی بات ہے, میں جب یہاں پہنچا تو اگلے دن میرے پڑوس کے اندر ایک لوہار رہا کرتا تو وہ بھی یہاں پہنچ گیا اور وہ میرے سے بھی دو درجے اوپر ہے. یہ بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کون آدمی ہے کہ جو یحییٰ پر سبقت لے گیا. اس کی تلاش کی, معلوم ہوا کہ لوہار رہا کرتا اور اگلے دن اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک ہے آس پڑوس سے احوال معلوم کرنا, تو انہیں خیال آیا کہ سب سے زیادہ قریب ترین اگر کوئی فرد ہوتا ہے انسان کے تو وہ اس کی اہلیہ ہوتی ہے, جس کو جلوت کی خلوت کی ہر چیز معلوم ہوتی ہے. اس نے کہا بجائے اس کے کہ میں جا کے انکوائری کسی اور سے کروں, اس کی اہلیہ سے جا کے ملے اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر کیا ایسی بات کام کرتا تھا کہ جسے. کہا کہ میرے تو ذہن میں نہیں کہ کوئی ایسا کام کرتا ہو, البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم کثیر العیال ہیں, بچے بہت ہیں اور یہ صبح ہی کام پر نکل جایا کرتے تھے اور رات کو جب یہ واپس آتے تھے تو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فرائض سے فارغ کر دے, میری بچیاں اپنے گھروں گھر کی ہو جائیں, جس دن میں اپنے فرائض سے فارغ ہوا میں بھی یحییٰ کی طرح سے عبادت کیا کروں گا, میں نے عہد کر رکھا. صرف نیت تھی لیکن اللہ کے یہاں وہ نیت اتنی قبول ہوئی کہ وہ یحییٰ سے بھی دو درجہ اوپر پہنچ گیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان نیت رکھے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ تو ہم اپنے اس سے حساب سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. عمل کیے جاؤ, عمل کے بارے میں کبھی مسئول, اور بہترین اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ رات کو جب آدمی بالکل تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے, بالکل مخلہ بھی تباہ ہو گئے, اپنی ذہن کو فارغ کر کے اب خود اپنے ضمیر سے یہ سوال کرے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا ہے. اگر کوئی عمل اچھا ہوا تو وہ اللہ کی توفیق تھی, اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, وہ اللہ کی توفیق تھی کہ شکر ادا کرو. اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو فکر کرو, رفتہ رفتہ یہ عادت جب پختہ ہو جائے گی تو عمل کی عادت. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی طرف کہ یہ اعمال جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, اور اس وقت پیش ہوں گے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرماؤں, ایسا نہ ہو کہ کل ان کے سامنے ہمیں شرمندگی ہو اور ہم نظریں جھکائے کھڑے ہوئے ہوں کہ یا رسول اللہ ہم کہلانے کو تو تیرے امتی تھے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے. اس وقت سے بچو, آئے گا وہ وقت, آج موقع ہے, آج کر لو جو کچھ کر سکتے ہو. یہ مت سوچو کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا کام ہوگا تو بخشش ہوگی, نہیں. جیسے میں نے بتایا یہ مثالیں ہیں اور انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جسے مثالوں کے ذریعے سے. بہرحال دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلی وازواجی واصحابی اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ اپنا رحم فرما, اے اللہ اپنا کرم فرما, اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما, صحت کاملہ عاجلہ و مستبرہ عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما, جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ان کو عالین میں مقام کریم سے سرفراز فرما, ان کے حسنات کو قبول فرما, ان کے سیاد کو معاف فرما. اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی, مساجد کی, معاہد کی, ہمارے علماء کی, طلبہ کی, عامۃ المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت آزمائش کا دور ہے, اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ حوصلہ عطا فرما, اے اللہ ہمت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بروز قیامت اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام فرما دے, آپ سلام فرما نے سب جواب دے دے, مصافہ کر رہے ہیں. چکیو مصافہ کرو, ابھی مصافہ کر لو, جلدی جلدی چلو ایک طرف سے آ جاؤ. ہاں جی, ارے ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ میں مصافہ اس لیے کرتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کیا ہے اس مجھے کرتا ہوں, کون سا مقبول ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ ملا سے میری قبولیت ہو جائے.